नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इन दोनों ही फोन्स के बीच में रिवर्स चार्जिंग को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आज इस वीडियो में इस फोन को दोस्तों चार्ज करूंगा और देखूंगा कि क्या रियली हमें एक अच्छी स्पीड मिलती है और क्या अगर हम चार्जर को नहीं यूज़ करते हैं तो क्या हम सिर्फ किसी फ़ोन को यूज़ करके अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं नहीं। तो इसलिए मैं दोस्तों एक टाइप सी टू टाइप सी को केबल को यूज़ करने वाला हूं। तो आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है सैमसंग का M21 पुराना एडिशन और ये है नया वाला एडिशन। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों ही के बीच में यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग करने वाला हूँ। और दोस्तों जो मैं यहाँ पे केबल यूज़ करने वाला हूँ वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी आपको केबल देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इन दोनों ही फोन्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों ही फोन्स कनेक्ट हो चुके हैं। मैं पहले इसको दोस्तों यहाँ पे इग्नोर कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आप रिवर्स चार्जिंग कहाँ पे जाके कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड सिस्टम दिख रहा होगा जैसे ही कनेक्ट करते हैं। इन दोनों को देखिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज द कनेक्टेड डिवाइस। तो आप देखिए यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इधर ऑन कर दूंगा ये चार्ज कनेक्टेड डिवाइस तो देखिए ये वाला फोन चार्ज होने लगेगा और आप देख सकते हैं ये फोन अभी चार्ज हो रहा है। और अगर मैं इस फोन को दोस्तों यहाँ पे स्विच ऑफ कर दूंगा और देखिए तो ये अपने आप देखिए ऑन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये फोन मेरा चार्ज होने लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों कितनी देर में मेरा पुराना वाला M21 नए वाले M21 को चार्ज करता है। अगर मैं आपको बैटरी परसेंटेज बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 48% नया वाला है और 75% पुराना वाला है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूँ इन दोनों ही फोन्स को और मैंने एयरप्लेन मोड पर डाल रखा है ताकि दोस्तों चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट बाद देखते हैं कि यहाँ पे कितनी आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि देखिए यहाँ पे 52% तक देखिए फ़ोन चार्ज हो चुका है। और अगर देखिए मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करूँ इन दोनों ही फ़ोन्स के तो देखिए यहाँ पे ये इसको हम लोग देखिए फास्ट चार्जिंग तो नहीं कहेंगे बट तब भी यहाँ पे आप अगर मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में है और आपके पास टाइप सी टू टाइप सी केबल है तो आप अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने किसी भी अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो उसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। और अब देखिए 42 से यहाँ पे देखिए 52% तक ये फ़ोन आ चुका है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि ये डिस्चार्ज कितना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लगभग दोस्तों 72% के अराउंड ये फ़ोन था, 72 या 75%। तो देखिए यहाँ पे लगभग 5% का ड्रेन देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको पावर सेविंग मोड पे डाल के यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पावर सेविंग मोड पे डाल के चार्ज किया था तो दोस्तों थोड़ा सा इसने भी पावर कम कंज्यूम करी और देखिए मेरा फ़ोन भी यहाँ पे चार्ज हो गया। तो ये दोस्तों एक इफेक्टिव वे हो सकता है कि अगर आप अपने फ़ोन को इमरजेंसी में चार्ज करना चाहते हो, लेकिन इसको हम लोग देखिए फास्ट चार्जिंग नहीं कह सकते क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखिए 10 मिनट में 4% चार्ज कर रहा है तो एक घंटे में लगभग 25% के अराउंड ये चार्ज करेगा। और आपका फ़ोन लगभग अगर एक घंटे में 25% तो 4 घंटे में आपका फ़ोन कम्प्लीटली चार्ज होगा यहाँ पे। तो ये दोस्तों एक इमरजेंसी बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसको तो टाइप सी टू टाइप सी केबल है, खरीद लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं आपको कनेक्ट करना है और अपने आप देखिए यहाँ पे आपको एंड्रॉइड सिस्टम में जाना है। देखिए एंड्रॉइड सिस्टम में आप जैसे ही जाते हैं वैसे ही देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपको किसको देखिए कनेक्ट करना है। आप एक को ऑफ करेंगे दूसरा अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोनों एक ही टाइम पे ऑन या ऑफ नहीं होंगे। तो आप एक ऑफ करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑफ करता हूँ, ये देखिए ऑन किया, ये अपने आप देखिए चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया। तो ये दोस्तों एक काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है आप अगर अपने फोन को इमरजेंसी में चार्ज करना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करना मत भूलना। साथ ही में दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं किसी कमाल की नई टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।